Dear students, welcome to the next lecture. In previous lecture, we have discussed about the three-dimensional control of a quadrotor UAV. Until now, we have discussed how to control a quadrotor given a specified trajectory. We now turn our attention to generating that specified trajectory. Given a three-dimensional environment, we want to be able to specify points in that three-dimensional environment and have that quadrotor plan obstacle-free trajectories in that environment. Accordingly, हम ये assume करेंगे कि we are given a rigid body or a quadrotor and it has a specific start point, like this is start point and we also have a specific goal point. तो हम अपनी इस three dimensional body को इस start point से लेके जाना चाहते हैं इस goal point पे. So this rigid body can also be a quadrotor. So this is our problem. इसमें हमारा जो पहला goal है वो ये है कि हम इस start point से इस goal point तक body की position को change करना चाहते हैं. But we also want at the same time to change our orientation. Like you can see कि हमारी जो orientation है वो start point पे और है और हमारे goal point पे orientation different है. और इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि हम ये जो दरमियान में जो पॉइंट्स शो किए गए इंटरमीडिएट पॉइंट्स और इंटरमीडिएट पोजीशंस हमारी बॉडी इन पोजीशंस से होकर भी गुजरे. मींस जब वो स्टार्ट ले स्टार्ट होने के बाद वो ये जो सेकंड वाली पोजीशन है इस पोजीशन पर भी आए और इस पोजीशन पे आने के बाद ये जो ओरिएंटेशन है हमारी इस पोजीशन की उसको भी अचीव करे. उसके बाद नेक्स्ट हमारी पोजीशन है या नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट है उस इंटरमीडिएट पॉइंट पे जाए और उस इंटरमीडिएट पॉइंट पे इस बॉडी की जो ओरिएंटेशन है उसको अचीव करे. और फिर इन इंटरमीडिएट पॉइंट्स से गुजरते हुए वो अपनी फाइनल या गोल पोजीशन को अचीव करे और उसी तरह उस गोल पोजीशन पे जो उसकी ओरिएंटेशन है उसको अचीव करे. सो दिस इज व्हाट वी वांट. जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हमने थ्री डायमेंशनल ट्रेजेक्टरीज जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें 3D के अंदर हमें पोजीशन को स्पेसिफाई करना है. और थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर अगर आपने पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो हमें ऑब्वियसली एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज स्पेसिफाई करना पड़ेगी. उसके अलावा हम पोजीशन के अलावा हम बात कर रहे हैं कि ओरिएंटेशन की हमने अचीव करनी है. तो ओरिएंटेशन अगर हमने अचीव करनी है तो उसके लिए हम स्पेसिफिक योर एंगल भी स्पेसिफाई करेंगे. तो बेसिकली जब भी हमने ट्रेजेक्ट्री जनरेट करनी है उसके अंदर हमारे पास एक्स वाई जेड के अलावा हमारा डिजायर्ड योर एंगल भी होगा जो कि हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा. सो यही मेथोडोलॉजी है जो कि रोबोटिक्स की जितनी भी फील्ड्स हैं उनके अंदर ट्रेजेक्टरी जनरेशन के लिए फॉलो की जाती है. और यही चीज हम फॉलो करेंगे क्वाड्रोटर के लिए. अगर हमने अपनी ट्रेजेक्टरी प्लान करनी है तो हम यही फ्लो और यही स्कीम जो है ये फॉलो करेंगे उसके अंदर भी. यहां पर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमारी ये जो ट्रेजेक्टरी हमने जनरेट करनी है वो स्मूथ होनी चाहिए. मीन्स कि हम ऐसे ही उठा के कोई ट्रेजेक्टरी नहीं यहाँ पे रख सकते कि जिसको क्वाड्रोटर फॉलो करेगा. एक्चुअली दिस ट्रेजेक्टरी शुड बी स्मूथ एंड इट शुड बी डायनेमिकली फिजिबल फॉर द क्वाड्रोटर टू फॉलो. एंड सिंस आवर क्वाड्रोटर इज अ डायनेमिकल सिस्टम तो ये सिर्फ वही ट्रेजेक्टरी फॉलो कर सकता है जो कि स्मूथ होंगी और डायनेमिकली फिजिबल होंगी. अगर हमारी ट्रेजेक्टरी के अंदर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसे कर्वेचर्स हैं जो कि कर्वेचर का जो एंगल है वो बहुत ज्यादा है या शार्प पॉइंट्स हैं या कॉर्नर्स हैं तो उन कॉर्नर पॉइंट्स को हो सकता है कि हमारा क्वाड्रोटर फॉलो ना कर सके या उन कर्वेचर्स को फॉलो करना इट मे बी नॉट पॉसिबल फॉर द क्वाड्रोटर टू फॉलो. इसमें एक और अहम बात ये भी है कि अगर हमारी ट्रेजेक्टरी स्मूथ होगी तो क्वाड्रोटर की जो इनपुट है या इनपुट एफर्ट जो है उसका रेट ऑफ चेंज हम मिनिमाइज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है जी जनरल सेटअप. तो इस सेटअप के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट होगा एक गोल पोजीशन होगी
और इन दोनों पोजीशंस के अलावा इन पोजीशंस की ओरिएंटेशन के बारे में भी हम स्पेसिफाई करेंगे, और इन दोनों स्टार्ट और गोल पोजीशंस के अलावा हमारे पास वे पॉइंट पोजीशंस भी होंगी, या हम इनको इंटरमीडिएट पॉइंट्स या इंटरमीडिएट पोजीशंस का नाम भी दे सकते हैं, और इन इंटरमीडिएट पोजीशंस की ओरिएंटेशन भी हम इसमें ऑप्शनली इंक्लूड कर सकते हैं. तो वी विल वांट आवर क्वाड्रेटर टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट विच इज अ स्टार्ट पॉइंट, एंड देन वी विश आवर क्वाड्रेटर टू गो थ्रू दीज इंटरमीडिएट पोजीशंस आर वे पॉइंट्स, एंड देन इट शुड रीच टू द फाइनल आर गोल पोजिशन. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्मूथनेस क्राइटेरियन. तो जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि हमारी ट्रैजेक्टरी का स्मूथ होना काफी इंपॉर्टेंट है. सो जनरली दिस थिंग ट्रांसलेट्स टू मिनिमाइजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट. तो हमें जिस तरह पता है कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसमें हमारी इनपुट एक्सेलरेशन के बराबर होती है, अगर हमारा सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर है तो उसमें इनपुट हमारी वेलोसिटी के बराबर होती है, इसी तरह अगर हमारा सिस्टम थर्ड ऑर्डर है तो उसमें इनपुट हमारी जर्क के इक्वल होती है, और इसी तरह इफ वी हैव आवर सिस्टम फोर्थ ऑर्डर देन हमारी इनपुट स्नैप के इक्वल होती है. तो जिस तरह हमारे पास हमारी जो एक्स और वाई स्टेट्स है हमारे क्वाड्रेटर की, उनका जो ताल्लुक इनपुट के साथ है वो बेसिकली फोर्थ ऑर्डर सिस्टम बनाता है, तो हमारी इनपुट उस केस में बेसिकली स्नैप के बराबर होगी. सो इफ वी वॉन्ट आवर दिस इनपुट टू बी मिनिमम देन वी हैव टू मिनिमाइज द रेट ऑफ चेंज ऑफ आवर स्नैप, एंड वी विल डिस्कस दिस थिंग लेटर. और इसमें चौथी चीज जो हमारे पास है दैट इज ऑर्डर ऑफ द सिस्टम एंड. तो ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, जिस तरह अभी मैंने बात की कि अगर हमारा सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर है देन हमारी इनपुट जो है वो वेलोसिटी के बराबर होगी, और सेकंड ऑर्डर अगर सिस्टम है हमारा तो इनपुट हमारी एक्सेलरेशन के बराबर होगी. सो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम डिटरमाइंस द इनपुट. तो हमारे सिस्टम का जो ऑर्डर होगा वो इनपुट को डिटरमाइन करेगा. सो जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी वो हमारे अगर nth ऑर्डर्ड है हमारा एक सिस्टम तो उसके जितने भी लोअर डेरिवेटिव होंगे अप टू n माइनस वन उनके हमारी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई होंगी. ये चीज भी हम बाद में जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनके अंदर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है कि हमारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस. सो ये जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस है दिस इज एक्चुअली नीडेड टू जनरेट एन ऑप्टिमल ट्रैजेक्टरी, और ट्रैजेक्टरी को हम या जो हमारा ट्रैजेक्टरी का फंक्शन होगा उसको हम एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके ऊपर जो स्टेरिक है या स्टार है दिस विल शो अस दैट दिस एक्स ऑफ टी इज द ऑप्टिमल फंक्शन, एंड हाउ वी कैन गेट दिस ऑप्टिमल फंक्शन वी हैव टू फॉलो दिस इक्वेशन. और इस इक्वेशन के पास हमारे पास एक फंक्शनल है जिसमें हमारे पास एक कॉस फंक्शन है जिसको हमने इस सिंबल से शो किया, और ये जो फंक्शनल है दिस इज एक्चुअली द इंटेग्रल ऑफ दिस कॉस फंक्शन, और ये कॉस फंक्शन डिपेंड कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन पे और देन टाइम पे डिपेंड कर रहा है. और इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो इनपुट आर्ग्यूमेंट है दैट इज एक्चुअली एक्स ऑफ टी, एंड वी वॉन्ट द मोस्ट ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ दिस एक्स ऑफ टी, तो उस ऑप्टिमल वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे. एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ, और इसमें हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है दैट इज एक्चुअली द वेलोसिटी, दैट इज एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट एक्स स्टेरिक ऑफ टी विच विल बी द ऑप्टिमल पाथ, और वी कैन से विच विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ. और इसी तरह ऑप्टिक्स के अंदर अगर हम मिनिमम टाइम को ज्यूम करें कि हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी हमारे पास ट्रैजेक्टरी हो या पाथ हो जो कि मिनिमम टाइम के अंदर हम अचीव कर सकें, उसमें हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो यूनिटी फंक्शन होगा या कॉन्स्टेंट होगा. और इसी तरह मैकेनिक्स के अंदर इफ वी वॉन्ट द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट टू बी अप्लाइड टू एनी सिस्टम देन उसमें हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा. सो दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स इन विच वी कैन अप्लाई दिस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, एंड सेम थिंग वी कैन अप्लाई इन आवर प्रोजेक्टिव जनरेशन प्रॉब्लम.
इस प्रॉब्लम को हम एक और तरह से भी देख सकते हैं कि जिस तरह इस फिगर में देखें, इसमें हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा गोल पॉइंट है। तो स्टार्ट पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स ऑफ जीरो से, और इसी तरह जो हमारा गोल पॉइंट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स ऑफ कैपिटल टी के साथ। सो इस पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट के दरमियान बहुत सारे रस्ते हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। सो वी विल अज्यूम ऑल दोज पाथ्स विच आर डिफरेंशिएबल। सो वी विल कंसिडर ऑल दोज कर्व्स विच आर एक्चुअली डिफरेंशिएबल एंड वी वॉन्ट एक्चुअली टू सिलेक्ट दैट वन विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल वन। तो इस पर्पज के लिए कि हम किस तरीके से सबसे ऑप्टिमल कर्व को अचीव कर सकते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे या इसको यूज करेंगे। फर्दर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो फंक्शनल है या इस फंक्शनल के अंदर जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है ये हमें ऑप्टिमल वैल्यू दे इस एक्स ऑफ टी की, तो उसके लिए हमारे पास एक और मैकेनिज्म है, या हम ये कह सकते हैं कि वी एक्चुअली हैव टू फॉलो अनदर कंडीशन। अगर वो कंडीशन फॉलो होती है या ये जो फंक्शन है वो उस कंडीशन को फॉलो करता है या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन कैलकुलेट द मोस्ट ऑप्टिमल पाथ एक्स ऑफ टी आर मोस्ट ऑप्टिमल फंक्शन एक्स ऑफ टी। सो दिस इज कॉल्ड यूलर लैग्रेंज इक्वेशन। This equation is actually showing the partial derivative of the cost function L with respect to the velocity and partial derivation of this cost function L with respect to the position. और फिर ये जो हमारी पहली टर्म है इसका complete derivative with respect to time की हमें consider करना है। तो next हम देखते हैं कि अगर हमारा plant या हमारा system first ordered है, मीन्स के हमारे पास n इज इक्वल टू वन है, तो जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि अगर हमारे पास हमारा जो सिस्टम है उसका ऑर्डर वन है तो हमारी इनपुट वेलोसिटी के बराबर होगी। सो एक्चुअली दिस थिंग विल कम फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो अगर हमारा सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर है तो हम यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे, और इसी तरह अगर हमारे पास n इज इक्वल टू टू है तो हम यहाँ पे एक्स डबल डॉट का स्केयर लेंगे, और इसी तरह अगर हमारा थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो यहाँ पे हम जर्क का स्केयर लेंगे, और हमारे पास एग्जांपल है क्वाड्रोटर की, इसमें हमारे पास जो पोजीशन स्टेट्स हैं एक्स और वाई वो फोर्थ ऑर्डर सिस्टम बनाती हैं, और उसमें एन इज इक्वल टू फोर होगा तो यहाँ पे हमारे पास स्नैप का स्केयर होगा, मीन्स कि एक्स के ऊपर चार डॉट होंगे जो कि चौथे डेरिवेटिव को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम एन इज इक्वल टू वन के लिए इसी चीज को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास इस ग्राफ के अंदर ये एक स्टार्ट पॉइंट है, ये एक हमारा फाइनल पॉइंट है या गोल पोजीशन है। तो दिस इज एक्चुअली एक्स एट जीरो एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली एट एक्स एट कैपिटल टी। सो वी वांट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आर वी वांट टू मिनिमाइज आवर वेलोसिटी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इस तरह हमने पहले भी बात की है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट फंक्शन हमें ऑप्टिमल वैल्यू दे इस फंक्शन की, तो उसके लिए इस कॉस्ट फंक्शन के लिए ये बात जरूरी है कि ये यूलर लैग्रेंज इक्वेशन को फॉलो करे। तो इस इक्वेशन को हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसमें हमारा जो कॉस्ट फंक्शन एल है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एक्स डॉट आर स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आता है वो आता है एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। अब ये कैसे आया, तो इस चीज को देखने के लिए हम इस कोर्स का जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसमें भी ये चीज एक्सप्लेन की गई है, तो उसको हम देखते हैं। दिस इज एक्चुअली द सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड इट्स टाइटल इज मिनिमम वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर मिनिमम वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी, और इसमें वही चीज बताई हुई है कि हमारे पास जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है दैट इज एक्चुअली स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, और इसके बाद हम इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास कॉस्ट फंक्शन हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कॉस्ट फंक्शन जो है उसमें सिर्फ वेलोसिटी की टर्म है, पोजीशन की टर्म नहीं है। तो पोजीशन के हिसाब से अगर हम उसका
पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्चुअली जीरो के बराबर होगा, सिंस नो एक्स अपीयर्स इन आवर कॉस्ट फंक्शन एल। और अगर हम उसी कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी लेंगे तो वो हमारा टू एक्स डॉट के बराबर होगा। तो अब ये सारी टर्म्स अगर हम उठा के इसमें पुट करें तो ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, ये टर्म हमारी टू एक्स डॉट के बराबर आ जाएगी। तो इस टू एक्स डॉट को अगर हम इसका मुकम्मल डेरिवेटिव लें या जिसको हम कंप्लीट डेरिवेटिव भी कहते हैं वो लें डी बाई डी टी, तो हमारा टू एक्स डॉट कन्वर्ट हो जाएगा टू एक्स डबल डॉट एंड दिस टू एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। और इसमें कॉन्स्टेंट टर्म हमारी जो है वो जीरो से डिवाइड होके जीरो हो जाएगी, देन वी विल हैव एक्स डबल डॉट इक्वल टू जीरो। अब इस एक्स डबल डॉट को हम जब एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, जब हम उसी को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास एक्स ऑफ टी पोजिशन आ जाएगी। एंड यू कैन सी दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन। सो फाइनली वी विल हैव दिस एक्स इक्वल टू सी वन ऑफ टी प्लस सी नॉट विच इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें ये बता रही है कि इस पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट से इस गोल पॉइंट को मिलाने के लिए हम अगर ये चाहते हैं कि हम एक मिनिमम वेलोसिटी पाथ को फॉलो करें तो वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगी कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएगी, वो हमारी मिनिमम वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी भी कहलाएगी और मिनिमम डिस्टेंस ट्रैजेक्टरी भी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वही चीज फॉर nth ऑर्डर है, अगर हमारा सिस्टम nth ऑर्डर है तो उसके लिए हम उस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देंगे और हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो x की पावर n के स्क्वायर के बराबर होगा। ये n शो कर रहा है कि ये इस x का कौन सा डेरिवेटिव है, ये अगर m 4 के बराबर है तो हम इस x का या अपनी पोजीशन का चौथा डेरिवेटिव यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और वो जो चौथा डेरिवेटिव होगा वो एक्चुअली जिसको हम स्नैप का नाम भी देंगे वो हमारी इनपुट के बराबर होगा। सो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अपनी इनपुट एफर्ट को कम करना चाहते हैं तो हमें उस चीज के लिए हमें अपने स्नैप को कम करना पड़ेगा। आर वी कैन से वी हैव actually to calculate the optimal value of this snap provided that this n is equal to 4 r in other words we can say we have taken the fourth derivative of this x, so in that case we will calculate minimum snap trajectory। aur isi tarah agar ye n hamara 3 ke barabar hai in that case we will calculate minimum jerk trajectory, aur agar hamara ye n 2 ke barabar hai in that case we will calculate minimum acceleration trajectory। so it all depends on the order of the system ke hamara jo system hai ya hamara jo dynamical plant hai uska order kaun sa hai। so yahan pe ek baat jo काबिले गौर है वो ये है कि अगर हमारा सिस्टम nth ऑर्डर है तो उसका जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो इन सारी टर्म्स पे डिपेंड कर सकता है, मींस दैट कॉस्ट फंक्शन विल बी एक्चुअली द फंक्शन ऑफ दिस एक्स रेज टू द पावर एन एंड एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन अप टू ऑल द लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग द पोजीशन एंड टाइम एज वेल। तो अब इसके लिए हमारी जो यूलर लैग्रैंज इक्वेशन है वो भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ये जो मॉडिफाइड या एक्सपेंडेड यूलर लैग्रैंज इक्वेशन है वो हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सो अगेन ये वही चीज है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा n इक्वल टू 1 है दैट विल बी आवर मिनिमम, दैट विल गिव अस आवर मिनिमम वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी, या हम अल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हैं दैट विल गिव अस आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ। और इफ वी हैव n इज इक्वल टू 2 देन वी विल गेट मिनिमम एक्सेलरेशन ट्रैजेक्टरी, एंड इफ n इज इक्वल टू 3 देन वी विल गेट मिनिमम जर्क ट्रैजेक्टरी, and if our n is equal to 4 then we will get minimum snap trajectory, and we know that in our quadrotor system the x and y states relate to input u, and it is the fourth derivative of x and y that actually relates to u2 of the quadrotor. u2 is that input which actually controls the roll, pitch and yaw angles, so our x and y states makes fourth order derivative, and so for that we have to specify our trajectory in terms of snap. So if we want our
input to be minimum, then we have to calculate minimum snap trajectory, and that will be equal to our input. So if the order of the system is n, then we have to take the nth derivative as input. So a question arises here that why is the minimum velocity curve also the shortest distance curve? तो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारा अगर सिस्टम का ऑर्डर n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें हमें मिनिमम वेलोसिटी कर्व मिलेगी, तो उसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर्व का नाम भी दे सकते हैं। तो व्हाई इज सो, क्यों हम ये नाम दे सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने खुद ढूंढना है, और ये इवन एक्सप्लेन भी किया गया है इस कोर्स का जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसके अंदर इस चीज का प्रूफ दिया गया है। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट स्टफ एंड have to figure out that why we call this shortest distance curve as minimum velocity curve. So this is all from today's lecture, and we will continue our discussion from this slide, and we'll learn how we can calculate minimum snap trajectory for our quadrotor UAV.